हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी से इसलिए इस संदेश के ज़रिए मिल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज एक मैसेज अपने कंट्री को दिया है कि आप लोग 5 अप्रैल को हमें 9 मिनट दीजिए, रात्रि के 9 बजे। तो कई मीडिया, कई सोर्सेस बता रहे हैं कि ये साइंटिफिक कॉज है, और कई बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉज है। कई चीज़ बताया जा रहा है कि 9 बजे रात में यदि दीपक जलाया जाए तो वो एक महाशक्ति का पहचान है, और एक जागरूकता आती है अपने अंदर, एक शक्ति का फील होता है। वी डोंट नो दैट, हम लोग उतना तो नहीं जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जस्ट वी आर हियर टू प्रेजेंट आवर यूनिटी इन फ्रंट ऑफ कंट्री और नेशन। आप अपने नेशन में एक यूनिटी प्रेजेंट करना है, यूनिटी को प्रेजेंट करना है, और उस यूनिटी को दिखाने के लिए आप ज़रूर घर में दीपक जलाएं। इतने दिनों से हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं और स्वयं खुद को लॉक किए हुए हैं, और खुद से लॉक करके और सर्वाइव कर रहे हैं। एज जस्ट लाइक लग रहा है कि हाँ, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ज़िंदगी एक सफ़र ही है, अभी आप फील करोगे तो जस्ट एक सफ़र कर रहे हैं हम लोग। जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं वैसे फीलिंग आ रहा है ट्रेन वाली। बट हम लोग सेल्फ मोटिवेट होके हम लोग लॉकडाउन में हैं, और सारे वो चीज़ का पालन कर रहे हैं जो हमें बताया गया है। और बहुत सारे न्यूज़ भी देख रहे हैं, बहुत सारे पेपर पढ़ रहे हैं, डे बाय डे डेटा देख रहे हैं कि भारत में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा। तो आप देख सकते हो पिछले 10 दिनों से हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि जैसे मल्टीपल वे में बढ़ रहा है दूसरे कंट्री में, और फ्यूचर में बढ़ा था जो उस तरह से, जिस तरह से हम देख रहे थे और अपने कंट्री को भी आंक रहे थे। बट ये लॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छे से सेफ महसूस कर रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा संकट की घड़ी थी, हम लोग उसको जस्ट क्रॉस करने वाले, एकदम लास्ट स्थिति में है। देख सकते हो डेटा, डेली आप पढ़ रहे होगे और जान भी रहे होगे। बहुत सारे मीडिया भी ये सारे डेटा डे बाय डे बता रहे हैं, ये चीज़ इस कंट्री का इतना डेटा है, इस कंट्री का उतना डेटा है। बट हमें वो सारे चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यूनिटी का, द पावर ऑफ यूनिटी। वी हैव टू रिप्रेजेंट टू कंट्री, दैट इज़ द वन ओनली वन नेशन वी हैव टू प्रेजेंट फर्स्ट। आप सभी का सहयोग चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि ये पार्टी का है, वो पार्टी का है। वॉट इज़ दिस माई डियर, ये कुछ भी मत देखो, आप एक ही पीएम बनाते हो ना, सो यू हैव टू लुक पीएम मैसेज व्हाट ही गिवन टू अस। आप अभी एक यूनिटी बन के आप दीपक जला, बाहर नहीं निकले, आप ध्यान से सुनिए पीएम का जो उन्होंने स्पीच दी है। आप कोई भी लाइट जला सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप ज़रूर अपने घरों में दीपक ही जलाएं। अब ऐसा नहीं कि जिसके घर में दीपक नहीं है तो वो नहीं जला सकता, जाके दुकानों में भीड़ लगा दिए खरीदारी करने के लिए। ऐसा कभी मत करें। आप घरों में, वी आर इंडियंस, हम लोग के पास जुगाड़ होता है, आप जुगाड़ करके दीपक जला सकते हो। आप देखो जिसके यहाँ दीपक नहीं है, आप जस्ट एक बॉटल तो होगा कहीं पे पड़ा हुआ, या प्लेट होगा छोटा सा, है ना, आप उसे ले, बॉटल का ये कैप निकालें, निकाल के इसमें आप मस्टर्ड ऑयल डाल के, आप कॉटन डाल के जला सकते हो। 9 मिनट, हाउ मच, 9 मिनट ओनली दे सर, यू कैन मोर देन 9 मिनट यू कैन डू। इस तरह से दीपक जला सकते हो आराम से। तो यू सभी को जलाना है, और ये पूरा शक्ति का एहसास कराना है एक दूसरे को, खुद को, कि वी आर
इन फ्रंट ऑफ यूनिटी ओनली एंड हम सभी एक हैं, इस तरह से जैसे हमने पीछे मैसेज दिए थे एक क्लैपिंग करके थाली बजा के, उस तरह से यूनिटी का मैसेज देना है। ये कोई पार्टी मकसद नहीं है, तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए घरों में ही वो चीज़ को। और आई होप विल डू टुगेदर, डेफिनेटली विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड दिस वायरस शुड बी गो फ्रॉम इंडिया, आवर मोटिव इज़ दिस वन। हमें और ज़्यादा झेलना नहीं है दूसरे कंट्री के तरह। थैंक यू ऑल ऑफ यू।